बलरामपुर के थाना कोतवाली उतरौला क्षेत्र अंतर्गत लालगंज गांव में रह रहे एक ही परिवार के तीन लोगों के संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई है। मृतक परिवार पिछले 8 वर्षों से कोतवाली उतरौला के ग्राम लालगंज में एक किराए के मकान में रह रहा था। एक परिवार की मां, बेटा व बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप मच गया। पिता की हालत गंभीर बताई जा रही है। पिता की हालत को नाजुक देखते हुए उपचार हेतु सीएचसी उतरौला से संयुक्त चिकित्सालय बलरामपुर भेजा गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। यह परिवार मध्य प्रदेश का बताया जा रहा है। उतरौला में पानीपुरी व गोलगप्पे का ठेला लगाकर अपना जीविकोपार्जन करते थे। घटना की सूचना मिलते ही डीआईजी देवीपाटन मंडल उपेंद्र कुमार अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सक्सेना, जिलाधिकारी संतोष कुमार ओझा, क्षेत्राधिकारी उदय राज सिंह, प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार दुबे मौके पर पहुंचे, मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। मृतकों में मां, बेटा व बेटी शामिल है। शुरुआती जांच में आत्महत्या अथवा घर में जलती हुई अंगीठी की धुएं की आशंका जताई जा रही है, लेकिन मामले को हर एंगल से देखा जा रहा है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि पूरे परिवार ने एक साथ आत्महत्या कर ली है या फिर संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक मृतकों में 38 वर्षीय रेखा देवी, 8 वर्षीय कान्हा, 11 वर्षीय लक्ष्मी देवी है। 30 वर्षीय मंटोले का उपचार चल रहा है। फॉरेंसिक टीम द्वारा घर के अंदर मौजूद एक एक सामान की जांच की जा रही है। मकान में ताला अंदर ताला बंद किए हैं और खोल नहीं रहे हैं, तो इस सूचना पे पीआरवी हमारी आई और उसको दरवाजे को लोहे का दरवाजा ऐसे काट कर देखा। 4 लोग पड़े थे, जिसमें एक जो पुरुष हैं वो जीवित थे। मंटोले नाम है इनका, चाट की दुकान लगाते थे। उनको चिकित्सालय भेजा गया है। 3 लोग मृत पाए गए हैं और कार्रवाई की जा रही है। ये परिवार जो है पिछले 8 वर्षों से मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। यहाँ पानी पूरी का काम करते थे, बेचते थे, ठेला लगाते थे। थैंक यू सर। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।